वेलकम बैक, दिस इज पुष्पा शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा से फुल फॉर्मूला रिवीजन प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप लोगों को पता है हमारी 13 डेज सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम लोग 1 to 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 को। एंड अगर आप लोगों का बाय चांस कोई भी चैप्टर प्रीवियस कोई भी मिस हो गया है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो आप लोगों को पता ही है वेक्टर हमारी पर्टिकुलर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज आपकी कोई डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं बोलूँ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैंने कहा 4 किलोमीटर चलना है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ चलना है। बट अगर मैं सिंपल बोलूँ 4 किलोमीटर, तो फिर आपको पता नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो सिंपल 4 किलोमीटर आपका हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मैं बोलती हूँ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो आपकी हो जाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब बेसिकली क्या है हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से क्या मतलब है कि अगर मेरे पास में कोई भी एक वेक्टर है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि किस तरीके से ये डायरेक्शन रेशियोज आए निकल करके, जिस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन निकल करके आए, तो मैंने जब वेक्टर अलजेब्रा आपको पढ़ाया था तो सारी चीज़ें उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में कवर करी हैं। मैं चैप्टर नंबर 10 की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार आप उसको चेकआउट करना। उसमें आपको जो भी टॉपिक समझना हो, मैं हमेशा एक ही चीज़ करी है कि थंबनेल पे जो भी आपके वीडियो के अंदर टॉपिक डिस्कस हुए हैं वो सारे मेंशन कर दिए हैं। तो आप थंबनेल पे पढ़ना, वो वीडियो आप खोल लेना और उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में मिल जाएंगी। एक एक फॉर्मूला का आपको पता चल जाएगा कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन है तो हम लोग ज़्यादा टाइम फॉर्मूला के डेरिवेशन पे नहीं लगाएंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे पास में कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, और ए वेक्टर मेरा दिखता है कुछ इस तरीके से, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इस ए वेक्टर में मेरे डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हमारे हो जाएंगे ए बी एंड सी। तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्शन कोसाइन की, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है हमारे पास में, डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली हमारे पास में अगर वेक्टर इस तरीके से है तो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है उसका कॉस जब हम निकाल लेंगे तो वो होता है डायरेक्शन कोसाइन। अगर मैं ये वेक्टर है मेरे पास में ए वेक्टर और मैं एक्स एक्सिस साथ में इसका एंगल चेक करती हूँ, तो एक्स एक्सिस के साथ में ये मेरा एंगल बना रहा है अल्फा एंगल। वाई एक्सिस साथ में हम इसका एंगल चेक करेंगे तो इसको हम बोलते हैं गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो वाई एक्सिस साथ में होता है बीटा एंड जेड एक्सिस साथ में इसका जो एंगल होता है वो हमारे पास में होता है गामा। जब हम इन एंगल्स का कॉस ले लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये हमारे पास में बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलेगा अभी हम वो समझेंगे। तो ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला, तो डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये आगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा के लिए हम क्या करेंगे ए की जगह लिख देंगे बी, कॉस गामा के लिए हम बी की जगह लिख देंगे सी। तो ये हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले होते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या है कि अगर हमारे पास में ये वेक्टर था ए वेक्टर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि जो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका स्क्वायर करके उन सबको आपको एडिशन करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ए स्क्वायर का हम करेंगे प्लस हम उसमें कर देंगे बी स्क्वायर को, प्लस कर देंगे हम लोग उसमें सी स्क्वायर को। तो ये हमारे पास में बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर मैं इस ए वेक्टर को प्लॉट करती हूँ कार्टेशियन सिस्टम में कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में, तो ये जो हमारे पास में वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसकी इतनी पर्टिकुलर लेंथ कितनी है, तो वो लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर से। सो आई होप डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपको अच्छे से क्लियर रहे होंगे। अब मेन बात क्या आती है, डायरेक्शन कोसाइन से आती है। तो डायरेक्शन कोसाइन जैसे हमें पता चल गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा अपॉन कॉस गामा हो गए। अब कॉस अल्फा को ना हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं जनरली। एल क्या है हमारे पास में, कॉस अल्फा होता है। कॉस बीटा को हम लोग एम से भी डिनोट कर सकते हैं एंड कॉस गामा को हम लोग एन से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड जब हम इनको डिनोट कर लेते हैं एल एम एंड एन से, तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज होती है, वो हमारे पास में निकल करके आती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमारी बहुत यूजफुल है और आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन का सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको निकालने होंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज आप लिखेंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब ये जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है, नीचे जो लिखे हुए हैं, बीच में आप डायरेक्शन कोसाइन में एक साइन लगा दें, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपके पास में डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को? आगे देखते हैं हम लोग। अब इतनी चीज़ आप लोग क्लियर रही होगी। आगे देखिए हमारे पास में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
तो वेक्टर्स की वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, बट जो मेन टाइप आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो एनसीईआरटी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आपके पास में जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं। मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास में ये वेक्टर है तो इसका ये जहाँ से वो इनिशियलाइज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, एंड जहाँ पर जाकर वेक्टर खत्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये वेक्टर का हेड होता है, ये वेक्टर की टेल होती है, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, हेड एंड ये है टेल। अब अगर किसी वेक्टर में ऐसा हो जाए कि आपके इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मतलब वो सिर्फ एक पॉइंट वेक्टर हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, अगर ऐसा कोई वेक्टर मिल जाए जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर से। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास में ये था ए ए वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए और ए को, इस पॉइंट को ना मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मैग्नीफाई करके दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ए और ए पे ही हैं दोनों पॉइंट। ये हमारे पास में ए पॉइंट था, इनिशियल भी है ये, टर्मिनल भी पॉइंट है ये। तो अब ऐसे वेक्टर्स को हम लोग चाहें तो ए ए वेक्टर, बी बी वेक्टर, या फिर आप जीरो वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको जीरो वेक्टर हो जाते हैं। सेकंड है आपके हमारे पास में होते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपके पास में क्या होंगे, सिंपल, जिनका मैग्नीट्यूड आपका यूनिटी होता है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ कोई भी एक वेक्टर, ए बी वेक्टर, और इसका अगर मैग्नीट्यूड मेरे को वन मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास में है यूनिट वेक्टर। क्लियर हो रहा है? अगर मेरे पास में जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मैं बोलूं ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप लोग फाइंड आउट करिए यूनिट वेक्टर, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेक्टर हमेशा इसकी डायरेक्शन में एक तो लिखा जाएगा एक कैप लगा करके, और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो अब इन यूनिट वेक्टर्स का हमारा यूज़ कहाँ होता है? इन यूनिट वेक्टर्स का यूज़ हमारा होता है कार्टेशियन सिस्टम में। अगर मेरे पास में ये है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे यूनिट वेक्टर की, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा आपका आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा आपका जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा आपका के कैप। इस तरीके से आप लोग इन यूनिट वेक्टर्स की हेल्प लेते हैं एंड वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास में? सिंपल, जिनका इनिशियल पॉइंट आपका सेम होता है, जो एक ही पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से आपके चलते हैं। तो ये सारे वेक्टर क्या हो गए? सेम इनिशियल पॉइंट से, तो को इनिशियल वेक्टर हो गए। अब मैं बात करूँ को लीनियर वेक्टर की, तो को लीनियर वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेक्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो को लीनियर वेक्टर को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। को लीनियर का जो हम पहले मतलब पढ़ते आ रहे हैं कि दो लाइंस दो पॉइंट्स हमारे को लीनियर है, तीन पॉइंट्स हमारे को लीनियर है, इनका मतलब होता था, मैं पॉइंट्स के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करना चाहती हूँ। अगर मैं पॉइंट्स के लिए बात करूँ और मैंने लिखा दो को लीनियर पॉइंट्स हैं, तो उनका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट सेम लाइन पे लाए कर रहे हैं। बट अगर मैंने बोला है कोलीनियर वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी वेक्टर्स हमारे जा रहे हैं और अगर वो एक लाइन के पैरेलली निकल जाते हैं तो वो सारे वेक्टर हमारे क्या होंगे? कोलीनियर वेक्टर होंगे। अगर उनका जो है एक पैरेलल लाइन के बेस जो है उनका वो एक पैरेलली चला जाए तो आप क्या बोलेंगे उनको? बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर। उसके अलावा अगर मैंने ये लाइन ले ली है और इस लाइन के पैरेलली मैं वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो, वेक्टर का बस जो ये बेस लाइन है वो इस वाली लाइन के अगर पैरेलल है, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? आपस में कोइनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, या हमें ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है, क्या है। ओके, बस ये हमारे क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए लाइन के। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर क्या है हमारे पास में? कोई भी दो वेक्टर ए एंड बी हमारे इक्वल होंगे अगर उनके पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? सेम होती है। इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल पॉइंट उनका कुछ भी हो मगर उनका क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स होते हैं। अब बेसिकली एक और चीज़ का ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास में ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और मेरे पास में बी वेक्टर है हमारे पास में यहाँ पर, और कुछ ले लेते हैं एम आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस पी के कैप, काफ़ी अनोखा सा वेक्टर लग रहा है। तो अब अगर मैं बोलती हूँ ए वेक्टर मेरा बी वेक्टर के इक्वल है, तो यहाँ पर मतलब क्या होगा आपका कि एक्स हमारा एम के इक्वल होगा, जितने भी जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट्स हैं वो आपके इक्वल रहेंगे। तो एक्स आपका इक्वल होगा एम के, वाई आपका इक्वल होगा एन के, एंड जेड आपका इक्वल होगा किसके? पी के। तो ए और बी आपके इक्वल होंगे जब आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे।
अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर की। तो अगर मेरे पास में कोई भी वेक्टर जा रहा था ए वेक्टर, इस तरीके से ए बी वेक्टर जा रहा था, अब क्या करूँ, मैं इतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ कर दूँ जिसकी डायरेक्शन क्या हो, इससे बिल्कुल अपोजिट हो, और मैग्नीट्यूड बट लेकिन इनका सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर जितने भी एग्जांपल वगैरह गिवन है इनको जरूर कर लीजिएगा, इनसे आप लोगों का एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जितने भी टाइप ऑफ फैक्टर्स का है, एंड ये क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स में आ सकते हैं, तो आप एक बार इनको जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वैक्टर्स की तरफ। तो एडिशन ऑफ वैक्टर सबसे पहले तो हमने अपनी फिजिक्स में क्लास 11th में, अगर आप PCM के बच्चे तो क्लास 11th की फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट लेकिन अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप लोग अभी पढ़ लेंगे एडिशन ऑफ वैक्टर्स। तो देखिए एडिशन ऑफ वैक्टर्स क्या होता है हमारे पास में, अगर मेरे पास में ये है ए वैक्टर, ये मेरे पास में जा रहा है बी वेक्टर, मैं पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है तो हम बेसिकली ध्यान रखेंगे कि हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बना पाए जिसमें ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जा करके मिल जाए। ए वेक्टर का हेड क्या होगा, बी वेक्टर के टेल से जा करके मिलेगा, ऐसा हम एक ट्रायंगल बनाएं। उसके बाद जब ये दो चीज़ बन जाएंगी उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि हमारी ये क्या करे, रिजल्टेंट थर्ड लाइन ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करे, बट इसका जो ये सेंस है वो आपका अपोजिट हो। अगर हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर टेल लगाई है, यहाँ पर हेड लगाया है ए वेक्टर का, बी वेक्टर के हमने यहाँ पर हेड टेल लगाई है, यहाँ पर हेड लगाया है, अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी वो एक तो ट्रायंगल की थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और साथ में उसका जो सेंस होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। पहले हमारा टेल हेड, टेल हेड का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे हमारे पास में हेड और टेल बन चुका है। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल आपको इसे ध्यान रखना है एंड आपके जितने भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके इजीली हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली तो आप ये देख सकते हैं आपका a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, ये चीज़ आप यहाँ से देखेंगे। तो अगर मेरे पास में ये वेक्टर जा रहा है a वेक्टर जिसका सेंस इस तरफ है, b वेक्टर का सेंस हमारा इस तरफ है, अगर मैं इन दोनों का एक रिजल्टेंट ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ हम सबसे पहले a b c को देख रहे हैं, तो इनका ट्रायंगल कंटेन करते हुए ये हमारे पास में आ जाएगा a प्लस बी वेक्टर। अब अगर मैं इसके बिल्कुल पैरेलली यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ एक दूसरा a वेक्टर, यहाँ पर मैंने इसके पैरेलली ड्रॉ कर दिया है एक दूसरा b वेक्टर, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये दोनों आप देख रहे हो सेम ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो a प्लस बी हमारे पास में क्या आ गया, इक्वल आ गया b प्लस a वेक्टर के। ठीक है, ये हमारा मतलब जो ट्रायंगल जो हमारे वेक्टर का एडिशन है वो हमारा कॉम्यूटेटिव होता है और साथ ही साथ में ये हमारा एसोसिएटिव भी होता है। मतलब अगर मैं सबसे पहले a प्लस बी कर दूँ फिर उसमें c को ऐड करूँ, या मैं पहले a को एज इट इज रहने दूँ b प्लस सी कर लूँ फिर उसमें a को ऐड करूँ, तो मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है, हमेशा सेम ही मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें ना वैक्टर्स में आप लोग को ध्यान रखना, अगर आपको एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है तो ज़्यादातर चीज़ें अगर आप लोग डायग्राम से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं रहते हैं। अब ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इससे पहले एडिटिव आइडेंटिटी समझ लेते हैं, मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास में, ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ हम पर्टिकुलर चीज़ में ऐसी कोई चीज़ ऐड कर दें कि हमारी इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल मेंटेन रहे, मतलब जैसा ये है वैसा का वैसा ही रहे, हम इसमें कुछ ऐड कर दें तो ऐसा हमेशा क्या होता है हमारे पास में, जीरो होता है, जो हमारी वैसे की वैसी आइडेंटिटी को रख दे। तो वैक्टर्स के केस में हम इसे बोल देते हैं जीरो वैक्टर। तो जीरो वैक्टर क्या है हमारे पास में, एडिटिव आइडेंटिटी होती है वैक्टर एडिशन के लिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, अगर हमने किसी भी वेक्टर ए वेक्टर में किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड का हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जो यूज़ होता है एंड यहाँ से इंपॉर्टेंट भी निकल करके आता है। अगर हमारे पास में सिंपल एक ए वेक्टर है इसमें मैंने कर दिया हाफ से मल्टीप्लाई तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स, देख रहे हो इससे थोड़ा सा छोटा हो चुका है। अगर मैंने इसको कर दिया डबल टू से मल्टीप्लाई तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर मैंने माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ देखने वाली है, ये हमारे पास में ए वेक्टर था मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन वही रही बट मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, बट अगर मैं माइनस हाफ से करती तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती एंड मैग्नीट्यूड भी हाफ होता, ये चीज़ देखने वाली। अगर हम लैम्डा को नेगेटिव लेंगे तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, बट अगर हम लैम्डा को पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्शन आपकी सेम की सेम ही रहने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एडिटिव इनवर्स की, तो जैसा मैंने आपसे कहा था उस पर्टिकुलर वेक्टर में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर दें कि हमें उसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए जो कि होती है जीरो वेक्टर।
तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स का काम क्या करेगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं ए वेक्टर में उसके नेगेटिव से प्लस कर दूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंपल जीरो वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैं, जो कि आई होप सबको पता होंगे। यहाँ से जो मेन चीज़ निकल करके आती है वो है ये चीज़, स्केलर कॉम्पोनेंट एंड वैक्टर कॉम्पोनेंट। अगर मेरे पास में कोई भी वैक्टर है, ओ पी वैक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी कॉम्पोनेंट फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो एक्स वाई एंड जेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर। क्या होते हैं ये हमारे पास में, स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर। इसी के साथ में इस वैक्टर के अंदर जो हमारे पास में एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप है, जैसे कि हमारे पास में जेड के कैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इस वेक्टर में बताइए स्केलर कंपोनेंट क्या है, इस वेक्टर में बताइए वेक्टर कंपोनेंट क्या है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि स्केलर कंपोनेंट सिंपल एक्स वाई जेड है, एंड वेक्टर कंपोनेंट क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सॉरी प्लस नहीं कॉमा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं। कभी कभार हम लोग एक्स वाई जेड को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं, बट एग्जाम में ये थोड़ा कम ही बोला जाता है। ओके, तो आप एक्स वाई जेड को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने मैग्नीट्यूड वगैरह आप लोगों को बता दिया, ये सम डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हैं आपकी सिंपल। अब यहाँ से तो आई होप कि जितनी चीज़ें हमें पढ़नी थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्वल वेक्टर्स का जो क्वेश्चन आएंगे वो भी ध्यान रखिएगा कि इक्वल वेक्टर में हमें क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग को सेम रखना है। जैसे अगर हमें शो करना है कि ए और बी हमारा इक्वल हो जाए, उसके लिए एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालिए, तो आप देखोगे कि एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टू के इक्वल हो जाएगा। टू, अब यहाँ पर टू क्या है, जे का कोफिशियंट है, यहाँ पर ये जे का कोफिशियंट क्या है, वाई है, तो टू इक्वल हो जाएगा वाई के। यहाँ पर के का कोफिशियंट है जेड, यहाँ पर के का कोफिशियंट है वन, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी वन। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? अब बात करते हैं वैक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के बारे में। तो वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स का बेसिकली मतलब है कि अगर मेरे पास में दो वेक्टर आ रहे हैं, इसको हम लोग करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब यहाँ पर मैंने कार्टेशियन सिस्टम लिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है पी वन एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, पी टू का पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू। अब हमें फाइंड आउट करना है एक वेक्टर जो पी वन और पी टू को ज्वाइन करते। अब इस वेक्टर के लिए हम लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर मैं जीरो से पी वन पे एक पॉइंट ज्वाइन करूं और जीरो से पी टू पे एक पॉइंट ज्वाइन करूं और यहां से पी वन से पी टू पे जाऊं, तो अब आप ध्यान से देखो कि मैंने क्या बना लिया है, किस तरीके से बना लिया। ये मेरे पास में ओरिजिन है, यहां से हम लोग जा रहे हैं पी वन पर, यहां से हम लोग जा रहे हैं पी टू पर, एंड यहां से हम जा रहे हैं फिर पी वन पी टू पर। हमें हमारा मेन मोटो क्या है, हम पी वन पी टू वेक्टर निकाल पाएं। अब अगर मैं यहां पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं और इस तरीके से लिख दूं, अगर जीरो पी वन वेक्टर प्लस पी वन पी टू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी टू वैक्टर, तो ये चीज़ क्या रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी। क्योंकि आप अगर ओ से चल रहे हैं तो ओ पी वन वैक्टर तक आप सेम रेशियो में जा रहे हैं, मतलब टेल हेड करते हुए, फिर आपका पी वन पी टू ये भी सेम ही सेंस में जा रहा है, बट अपोजिट सेंस में क्या आ रहा है, ओ पी टू आ रहा है। तो ओ पी टू क्या है, इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट होगा। बट यहाँ पर हमारा मेन मोटो है फाइंड आउट करना पी वन पी टू वैक्टर को, तो पी वन पी टू हमारे पास में हो जाएगा ओ पी टू माइनस ओ पी वन। अब ओ पी टू वैक्टर हमें पता है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस प्लस जेड टू के कैप होगा, उसमें से माइनस कर देंगे एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप, तो आपके पास में यहाँ पर पी वन पी टू सिंपली निकल करके आ जाता है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको पता ही है कि जो आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग है उनका स्क्वायर करके आपको सम कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में पी वन पी टू वैक्टर आ रहा है, ये हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि अगर मेरे पास में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर है मेरे पास में यहाँ पर, जो पी और क्यू को ज्वाइन कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पी क्यू वेक्टर को ज्वाइन करते हुए पास में, तो अब हमारे पास में बीच में कोई आर वेक्टर आया है जिसने क्या कर दिया है, पी क्यू वेक्टर को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर दिया, जिसने हमारे क्या करा है, पी क्यू वेक्टर को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर दिया है, ऐसा हमारे पास में एक आर वेक्टर आया है। अब इस r वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हमें अगर फाइंड आउट करने हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, r वेक्टर हमारे पास में निकल करके आ जाएगा। अगर मैं इसको मान लेती हूँ a वेक्टर, इसको मैंने मान लिया है b वेक्टर, तो r वेक्टर हमारे पास में क्या निकल करके, अपोजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है, m इंटू बी वैक्टर प्लस आप करेंगे n इंटू ए वैक्टर अपॉन आपका हो जाएगा m प्लस n। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ये आपका निकल करके आएगा आर वेक्टर, एम इंटू बी वैक्टर माइनस एन प्लस एन इंटू ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन आपका हो जाएगा। अगर ये हमारे पास में ये एक्सटर्नल पे होता पॉइंट, अगर मेरे पास में ये पी है ये क्यू है, इसके वेक्टर है मेरे पास में ए वेक्टर, इसके वेक्टर है मेरे पास में बी वेक्टर, अगर मैं यहाँ पर आर वेक्टर की बात करूँ जो कि हमारा बाहर की तरफ है, अब ये क्या कर रहा है हमारे पास में, अगर मैं आर को
टी से ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरे पास में एम डिस्टेंस पर है, अगर मैं आर को क्यू से ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास में एन डिस्टेंस पर है, मतलब ये इनडायरेक्टली एक्सटर्नली आपके पी क्यू को एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट से करेंगे वापस से। अब एम हमारे पास में पी तक का पॉइंट है तो पी एम इंटू बी वैक्टर करेंगे, माइनस हम करेंगे एन इंटू ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन। बट जब आपका एक्सटर्नल होगा तब आपका माइनस का साइन लग जाएगा एंड जब आपका इंटरनल का होगा तो आपको प्लस का साइन मिलना है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंड आप सेक्शन फॉर्मूला में इजीली आप स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। ओके अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स क्या है, हमने जब अपने वैसे प्रोडक्ट पढ़े थे एलजेब्राइक प्रोडक्ट तो हमने एक तरीके का प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, बट वैक्टर्स में हमारे दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। पहला आपका होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड दूसरा आपका होता है क्रॉस और वैक्टर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर बोल दो चाहे डॉट बोल दो ये एक ही वैक्टर के नाम है, क्रॉस बोल दें चाहे वैक्टर बोल दें ये एक ही वैक्टर के नाम है। तो इस तरीके के दो प्रोडक्ट होते हैं। पहले प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास में क्या आता है, पहले मैं एक एक करके दोनों को समझाती हूँ। पहले हम लोग चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट की तरफ। तो स्केलर प्रोडक्ट का नाम स्केलर और डॉट क्यों है ये समझ रहे हैं हम। तो स्केलर प्रोडक्ट से जब भी आप दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, उसमें आपको डायरेक्शन नहीं मिलती है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि जब आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो आप उसे एक डॉट लगाते हैं बीच में, इस तरीके से नोट करते हैं ए डॉट बी, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, एक हमारे पास में स्केलर निकल करके आ जाता है, इसलिए हम इसका ये नाम रखते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। आगे बढ़े, अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट समझ लेते हैं। तो अगर मेरे पास में दो वेक्टर हैं ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर मेरे पास में जा रहा है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मेरे पास में जा रहा है बी वेक्टर, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को पहले तो आपको सेम कर देना है, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को पहले सेम कर देना है। ये चीज़ मैं क्यों बताई, क्योंकि क्या कहते हैं बहुत बार एग्जाम में आपसे बोल देगा कि ये हमारे पास में दो वेक्टर हैं और एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आपसे अगर इस तरीके से आ जाएगा ना ये वेक्टर है एक वेक्टर ये है और इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करिए, तो आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर देंगे बट आपको मतलब ये चीज़ भूल जाएंगे एग्जाम में कि इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना होगा और ये एंगल जो है बेसिकली आपको लिखना होगा पाई माइनस थीटा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इनिशियल पॉइंट सेम अब आकर के हुए, पहले इनिशियल पॉइंट्स इनके सेम नहीं थे। तो जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालेंगे चाहे क्रॉस से निकालें चाहे डॉट से निकालें, ध्यान देंगे कि हमारे पास में इनिशियल पॉइंट्स ए एंड बी के कैसे रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो ये हमारे पास में है ए वेक्टर, ये है हमारे पास में बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अगर मेरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना होगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा हमारे पास में हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल होता है जो आपका जीरो से पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ है यहाँ तक आप सभी को। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग एक बार देख लेते हैं जिससे हमारे मार्क्स कट करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं एग्जामिनर के पास। पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो है हमारे पास में ए डॉट बी, जब हम करेंगे तो हमें एक रियल नंबर मिलेगा, एक स्केलर नंबर मिलता है। आगे हमारे पास में अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो होंगे और ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो आप देखोगे अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे एल थीटा 90 डिग्री का निकल जाएगा, तो ए बी कॉस ऑफ 90, ए डॉट बी हमारे पास में कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी जीरो आ जाएगा अगर हमारे पास में इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास में जीरो हो जाता है तो ए डॉट बी हमारे पास में क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है। अगर हमारे पास में ए और वैक्टर और बी वैक्टर दोनों इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि हमारा ए और बी इक्वल जा रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर भी हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास में थीटा पाई हो जाएगा तो कॉस ऑफ पाई माइनस वन होता है, तो ये इसके अपोजिट चला जाएगा। अब इसमें हमारा मेन क्या आ रहा है ऑब्जर्वेशन, कि अगर मेरे पास में आई डॉट आई करें जे डॉट जे करें के डॉट के करें, मतलब हम सेम से सेम का डॉट करें तो हमें आंसर 111 मिलेगा, क्योंकि आई जे के का जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई ये क्या होते हैं हमारे 1 होते हैं। अब अगर मैं आई डॉट जे करूं I का J के साथ डॉट करूँ तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री का है, कॉस ऑफ 90 हमारा जीरो होता है, तो I डॉट J करें या J डॉट K करें या K डॉट I करें ये सब कुछ हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। अब जो मेन बात है वो है आपकी कि स्केलर प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव होता है, A डॉट B आपके इक्वल होंगे B डॉट A के।
अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपसे बोल देगा दो हमारे पास में वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करिए, तो जनरली एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं एंड आप चाहें तो स्केलर प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, बट जनरली एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि आपका एंगल फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो कॉस थीटा हम लोग हमेशा निकालेंगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, हमें ए डॉट बी निकालना कैसे होता है। तो अगर मेरे पास में दो वेक्टर है ए एंड बी, पहला वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, दूसरा वेक्टर होता है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर मेरे को निकालना है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनके कॉरस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए वन का हम करेंगे किसके साथ में, बी वन के साथ में, तो ये जाएगा ए वन बी वन, प्लस आप करेंगे ए टू का बी टू के साथ में, तो ये जाएगा ए टू बी टू, प्लस आप करेंगे ए थ्री का बी थ्री के साथ में, तो ये हो जाएगा प्लस का ए थ्री बी थ्री। सिंपल आपके पास में आंसर आ जाएगा, जो भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग है आई जे के उनकी आप एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करिए और आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब जाकर के फाइनली मैंने क्यू एन ए वाली वीडियो बना ली है और अब मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है अंदर से। बहुत देर से मैं सोच रही थी कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, पहले जब मैं सेक्शन फॉर्मूला बना रही थी तो मेरे को बार बार दिमाग में वही चल रहा था कि क्या हम क्यू एन ए वीडियो बनाएं क्यू एन ए वीडियो बनाएं, तो फाइनली मैंने क्यू एन ए वीडियो बना दी है एंड चैनल पर मैं उसे जल्दी अपलोड कर दूंगी। बिल्कुल जस्ट अभी मैंने शूटिंग करी है वेक्टर अलजेब्रा से, मुझे जाना पड़ा, मैंने पॉज करी वीडियो, पहले मैंने वाली शूट करी, फिर अब मैं दोबारा से इसको शूट करी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑनलाइन से हम लोग शुरू करने वाले। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्यू एन ए वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप उसे प्लीज़ देखिए एंड उसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो जा करके उसमें आप पूछ सकते हैं अपनी क्यू एंड ए वीडियो में। एक हफ्ते के लिए मैंने पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन, मतलब उसमें आप जो भी आप एक हफ्ते के अंदर क्वेश्चन भेज देंगे, मैं एक हफ्ते तक क्वेश्चन नोट ही कर रही हूँ। तो अभी आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को और उस वीडियो को अपलोड हुए हुए एक हफ्ते के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो को, तो जाकर के उस क्यू एंड ए वीडियो में ज़रूर अपना जो भी आपका क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछेगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा से क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन की। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अगर मेरे पास में कोई ए बी वेक्टर है वो एक एंगल बना रहा है थीटा एल लाइन के साथ में, तो अगर मेरे से बोला जाए ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन बताइए इस एल लाइन के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, इसके एक परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी होगी ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन एल लाइन के ऊपर। इसको फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला आपके पास में है कि अगर मेरे पास में ये है ए बी वेक्टर, इसको मैं एल वेक्टर मान लेती हूँ, तो अब ये है हमारे पास में ए बी वेक्टर, ये है एल वेक्टर, अगर मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है तो वो किस तरीके से होगा। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को पता है, हमने अपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स का, अगर मैं इस ट्राइंगल में, इसको मैं सी पॉइंट ले लेती हूँ, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल की बात करूँ और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम सॉरी कॉस थीटा लगा दूँ, तो कॉस थीटा लगा करके मैं देख पाऊंगी कि हम इसे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास में ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ए सी है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए सी की डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, जिस भी वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालना है उसका आप करेंगे मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा और आप सिंपली उसका प्रोजेक्शन निकाल पाएंगे। अब इस प्रोजेक्शन को निकालने के दो मेथड हो गए, अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास में ये है ए वेक्टर, ये है मेरे पास में बी वेक्टर, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको निकालना है ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, बी वेक्टर कॉस थीटा। अब बी वेक्टर को कॉस थीटा इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी वेक्टर कॉस थीटा के बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि ए डॉट बी जब आप सॉल्व करेंगे आपके उसमें यही आ जाएगा। तो इससे इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग जनरली अपना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालते हैं। आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 19 एग्जाम्पल नंबर 20 है ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके दोनों क्वेश्चन ही डिटेल में करा रही हूँ। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें आपसे बोला है कि हमारे पास में क्वेश्चन दुबक गया, ओके इसमें आपसे बोला है हमारे पास में दो वेक्टर है ए एंड बी एंड आपको शो करना है कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालती हूँ तो वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, ये हमें इसमें शो करना है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि ए डॉट बी हमारे पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, क्लियर है। मैग्नीट्यूड जो हमें ए डॉट बी का मिलता है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कॉस थीटा मेरे पास में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। अब हमने कॉस थीटा का एक ग्राफ देखा हुआ है कि जो कॉस थीटा ग्राफ होता है वो इस तरीके से चलता है,
अब हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ से कि जो ग्राफ है वो हमेशा 1 से माइनस 1 के बीच में रहेगा। कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगी और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 रहेगी। हमें यहाँ से कंडीशन लेनी है कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 की। तो इतना आई होप यहाँ तक आप लोग को जो मैंने बताया वो क्लियर हो रहा होगा। तो हमेशा हमारे पास में क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी हमारे पास में ये भी लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैं इक्वल्स टू कॉस थीटा अगर चाहूँ तो हटा करके लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अरे क्या, लेस देन इक्वल टू 1 पे रख सकती हूँ। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा वो हमेशा हमारे पास में क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। इसको आप उधर लेकर के जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा सिंपल ये आंसर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 20 थोड़ा बड़ा है तो व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, वहाँ पर हम इसे समझेंगे। पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ बस आपको। यहाँ पे आपसे बोला है कि आपके पास में दो वेक्टर है ए एंड बी, हमें शो करना है कि अगर मैं ए और बी को ऐड करूं पहले फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। मतलब बाहर बाहर हम मैग्नीट्यूड निकालें फिर हम दोनों को ऐड कर दें, या दोनों को ऐड करके उसका रिजल्टिंग निकाल के फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो हमेशा उससे छोटा या उसके इक्वल ही हमें मिलेगा। वो हमें प्रूव करना है। तो आइए इसको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, आपसे बोला है कि हमें बताना है जो मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी के वेक्टर के रिजल्टेंट का वो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। ये हमें क्वेश्चन में शो करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हमारा मेन मोटो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी निकालें। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोल रही हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट कर रही हूँ आपस में तो इन दोनों के डॉट का आंसर मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलेगा इसका आंसर, सबसे पहले मैं लिखूंगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। वैसे मेरे को इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मेरे को मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, फिर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि दोनों ही वैक्टर हमारे सेम है, कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा 1। तो इतना हमें क्लियर हुआ इन दोनों का, अगर मैं डॉट करूंगी वैक्टर का तो वो मेरे को उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दे देता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके डॉट को लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं इनके डॉट को लिखूंगी तो ये हमारे पास में आ जाएगा, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो अब जब मैं इनके डॉट को लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का करेंगे हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में डॉट। तो ए वेक्टर का डॉट करा ए प्लस बी के साथ में, प्लस हमने बी का डॉट किया ए प्लस बी के साथ में, क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला हो जाएगा ए डॉट ए प्लस आपके पास में हो जाएगा ए डॉट बी प्लस आपके पास में हो जाएगा बी डॉट ए प्लस आपके पास में हो जाएगा बी डॉट बी। अब ए डॉट ए हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारे पास में जाएगा 2 ए डॉट बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। इतना हमें क्लियर हो रहा है। सो आई होप इतना अगर हमें क्लियर हो रहा है तो हम इसको और आगे लिखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। हमारे पास में ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब हमें पता है कि हमारे पास में जो कॉस थीटा होता है सारे ही एंगल्स के लिए कॉस थीटा क्या रहता है, लेस देन इक्वल टू 1 रहता है, ये हमें क्लियर है। तो हमें पता है कॉस थीटा अगर लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, अगर मैं यहाँ पर 2 ए और बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस थीटा रहेगा लेस देन इक्वल टू, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ से इसको लिखा और इसको हम सॉल्व करते आए, सॉल्व करते आए तो हमें पता चल गया 2ab cos थीटा एक कंडीशन बन रही है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि cos थीटा लेस देन 1 होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी तरफ ये बनाने की कोशिश करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बनाने के लिए हमने 2a एंड b से मल्टीप्लाई कर लिया तो हम इधर वाली साइड भी कर रहे होंगे मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम लोग, अरे यार एक कलर मिल जाओ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर से एडिशन और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर से एडिशन। तो जब मैं दोनों साइड पर एडिशन करूँगी किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस आपके पास में हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में आपके पास में आ जाएगा कॉस थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हो रहा है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और एडिशन करा है सिर्फ और सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए के होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के होल स्क्वायर से। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? अब आप लोग दोनों चीज़ों को ध्यान से देखिएगा क्या करा है हमने, चीज़ों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं लेस देन इक्वल टू के इधर साइड दिखाती हूँ। तो ये चीज़ क्या बन रही है हमारे पास में, ये चीज़ हमें पता है बन रही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का
होल स्क्वायर जो हमने पहले अभी ऊपर देखा था। अब लेस देन इक्वल टू ये वाली चीज़ क्या बननी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर बन रही है ना यहाँ पर आइडेंटिटी। तो ये चीज़ हम लोग देख ली। अब हम इसका कर लेंगे स्क्वायर रूट। जैसे आप यहाँ पर लेंगे दोनों साइड रूट, तो आपके पास में सिंपल आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड जो ए प्लस बी का होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। तो आप चाहें तो एक बार इस चीज़ का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, बहुत ही अच्छा प्रूफ है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने निकाला, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉस थीटा इक्वल्स टू वन तक का। फिर कॉस थीटा में आपने थोड़े से चेंजेस करें, आप यहाँ तक पहुँचे, फिर आपने देखा कि ये आइडेंटिटी तो स्क्वायर की बन रही है, फिर आपने इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया और आपके पास में आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है कि यहाँ तक आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस कर रही हूँ तो मेरे को एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर में मिलती है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं कर रही हूँ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो उसमें हमें ए क्रॉस बी तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, एंड साथ में हमें मिलेगी एक डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, पहले हम उसका रूल समझ लेते हैं। तो उसका होता है आपके इसमें राइट हैंड थंब रूल। आपको क्या करना है, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इस तरीके से, और आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो आपकी उस एन वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक्स क्रॉस वाई हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स से वाई की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, एंड जो थंब होगा हमारे पास में वो जैसे कि जेड डायरेक्शन में है, तो वो हमें क्या देगा, अपना एन वेक्टर की आंसर देगा, एन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमें देगा। क्लियर है? ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हम जनरली निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा डॉट एन कैप। अब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये तो आपसे बोला इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कीजिए थीटा। तो आपको एक चीज ध्यान से रखिए कि अगर आप लोगों को थीटा फाइंड आउट करना है तो पहले तो आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, स्केलर प्रोडक्ट। अगर वो नहीं है आपसे या आपको क्रॉस ही यूज करना है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे दी है क्रॉस ही यूज करिए, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जो थीटा एंगल है वो कहाँ बन रहा है, दोनों के इनिशियल पॉइंट से जब वेक्टर जा रहे हैं तब हमें ये थीटा पॉइंट मिल रहा है। अगर आप लोगों से कुछ इस तरीके से बोल दिया जाए, अगर ए है ये हमारे पास में बी है, तो कभी भी ये वाला जो एंगल आपसे जब आप थीटा निकाल लेंगे तो वो ये एंगल नहीं रहेगा थीटा। थीटा कौन सा एंगल होगा, थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा, एंड ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना है जो एंगल अगर आप बना रहे हैं तो दोनों इनिशियल पॉइंट्स उनके सेम होने चाहिए, तब जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? अब हमने जो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें आप समझिए कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच में थीटा कितना होता है, जीरो होता है, सेम साइड पे पैरेलल जा रहे हैं, तो साइन थीटा कितना जाएगा, जीरो जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर मैं आई क्रॉस आई करूँ या जे क्रॉस जे करूँ सेम के साथ में, तो वो हमेशा हमें कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? अब मैं आपको एक सर्कल वाला रूल बता रही हूँ। अगर आपसे बोला जाता है कि आई क्रॉस जे करिए, अब आई क्रॉस जे तो हमें पता है क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे और साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 हमारा होता है 1, तो आई जे का हमें क्रॉस कर सकते हैं, और आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब ये 1 आ जाएगा। अब हमें मेन काम क्या है, हमें डायरेक्शन चेक करना है। इस तरीके से जब आप जे क्रॉस के करें, के क्रॉस आई करें, सब में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन का काम होगा, मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अब डायरेक्शन का काम किस तरीके से वो देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में एक ये है आई जे एंड के। अब अगर मैं आई क्रॉस जे कर रही हूँ, मैं अपना इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ, आई क्रॉस जे करा मैंने, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, के आएगा, और वो भी पॉजिटिव साइन के साथ में, क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं जे क्रॉस के कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ में। अगर मैं के क्रॉस आई कर रही हूँ मेरे को आंसर मिल जाएगा जे पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब जो भी आप दो का कर रहे हैं उसके अपोजिट जो बचा हुआ है वो आपको लेना है और साथ में पॉजिटिव साइन लेना है अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो। बट अगर इसी सर्कल में हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये है आई जे है ये है के, अब मैं चल रही हूँ इसी सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम लोग आई क्रॉस के कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हमारे पास में बचा हुआ है जे, तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव का साइन इंक्लूड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम के क्रॉस जे कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आ जाएगा आई, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव साइन में डिनोट करते हैं। क्लियर हो रहा है कि यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें? सो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोगों को क्लियर रही होंगी, जो आई क्रॉस जे क्रॉस के मैंने आपको बताया। अब क्या करना है, बेसिकली हम यहाँ से पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कि अगर मेरे पास में कोई भी ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। तो ये हमारे पास में हाइट है, ये हमारे पास में बेस है। अगर आपके इसमें एक वैक्टर गिवन है ए वैक्टर, दूसरा वैक्टर है बी वैक्टर,
तो आपको पता है कि हाइट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर का सिंपली मेरे को करना है साइन थीटा, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें हाइट दे देगा। जब आप इन सारी चीज़ों को लेते हैं तो आपके पास में आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से जब आपको पैरेललोग्राम का निकालना है तो पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल को कंसिस्ट करता है, तो टू इंटू वन ट्राइंगल हाफ ए क्रॉस बी, तो ये आपके पास में आ जाएगा सिंपल ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी। अब आपके पास में ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट किस तरीके से करना है। तो मेरे पास में अगर ए वेक्टर है ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, मेरे को फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आप लेंगे आई जे एंड के तीनों वैल्यूज़ को, फिर आप जो आपको इसमें पहला वेक्टर है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके हैं ए वन ए टू एंड ए थ्री वो आपको लेने हैं, फिर आपको लेने हैं बी वन बी टू एंड बी थ्री। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली एक डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व कर देना है। इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, जो आई होगा उसको बाहर ले लेंगे, सिंपल अंदर आ जाएगा आंसर, माइनस ऑफ जे कैप अंदर आ जाएगा कुछ, प्लस के कैप अंदर आ जाएगा कुछ, तो आपके पास में सिंपल वेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट की तरह आप इसे सॉल्व करना है। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो भी हमें पता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो रूट ऑफ हमारे पास में मैग्नीट्यूड भी दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें आई होप अब तो कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में करने के लिए। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बचा है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर मेरे पास में तीन वैक्टर हैं, ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर, अगर मेरे पास में ये तीन वैक्टर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, या तो हम ए क्रॉस बी डॉट सी करें, ए क्रॉस बी डॉट सी, या मैं करूँ बी क्रॉस सी डॉट ए, या फिर मैं करूँ आपका जाएगा सी क्रॉस डॉट बी। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक साइकिल में मूव करेंगे, या तो आप बोले ए क्रॉस बी डॉट सी, या आप बोले बी क्रॉस सी डॉट ए, या आप बोले सी क्रॉस ए डॉट बी, तो इस तरीके से तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं। मतलब दो का हम क्रॉस करते हैं उस साथ में तीसरे का डॉट करते हैं। और इसको डिनोट करने का क्या तरीका है कि अगर मैं इसको डिनोट कर रही हूँ ए क्रॉस बी डॉट सी को, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी ए वैक्टर बी वैक्टर एंड योर सी वैक्टर। अगर मैं इसको डिनोट कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी बी वैक्टर सी वैक्टर ए वैक्टर। अगर मैं इसको डिनोट कर रही हूँ मैं लिखूंगी ए सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एंड ये हमारे पास में सिंपली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहता है वो है, दो का क्रॉस उसके साथ में तीसरे को करना है आपको डॉट। अब बेसिकली यहाँ पर आप देखिए, अगर मेरे पास में तीन वेक्टर आते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, इससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया, एक मिनट। अब यहाँ पर जो हमें तीन क्वांटिटी मिली है, ये तीनों ही क्या बोलेंगी हमें, सेम ही बात बोलती है, तीनों की वैल्यू आपकी इक्वल रहती है। क्यों इक्वल रहती है वो अभी जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीख लेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पर आकर के इसका प्रूफ बताऊंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट किस तरीके से करना है। तो मेरे पास में अगर पहला वैक्टर है ए वैक्टर, जिसको मैंने मान लिया एक्स वन आई कैप प्लस आपका हो गया वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, दूसरा मैंने मान लिया है बी वैक्टर जिसको मैंने मान लिया एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू, इस तरीके से मैंने सी वेक्टर ले लिया एक्स थ्री आई कैप प्लस वाई थ्री जे कैप प्लस जेड थ्री के कैप। अब क्योंकि अगर मेरे को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी करना है, तो हम इसे सिंपली लिखेंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम लिखेंगे एक्स के जितने भी कोफिशियंट हैं ए वेक्टर के, तो ए वेक्टर के आई जे के कोफिशियंट क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, फिर हम लिखेंगे एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, फिर हम लिखेंगे एक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड थ्री। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी, वही आपके पास में आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हमने जब हमने डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि अब अगर मैं डिटर्मिनेंट में एक बार कोई भी दो रो को चेंज करूँ या दो कॉलम को चेंज करूँ तो मेरे पास में एक नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर मैं दो बार चेंज कर दूँ, पहले मैंने इन दोनों को चेंज किया फिर मैंने इन दोनों को चेंज किया, तो पहला एक नेगेटिव साइन आया फिर दूसरा नेगेटिव साइन आया, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव के साइन हो जाएंगे। तो अगर मैं एक बार को वैल्यू रो को चेंज कर रही हूँ तो मेरे को एक नेगेटिव साइन मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, अगर मैंने बोला था पहले, ये तो हमने फाइंड आउट किया ए बी सी, अगर मैं बात करूँ बी सी ए की, तो बी सी ए के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी के कोफिशियंट लिखेंगे एक्स टू वाई टू जेड टू, फिर हम लिखेंगे सी के एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, फिर हम लिखेंगे ए के एक्स वन वाई वन जेड वन,
अब आप दोनों में एक चीज़ देखिएगा, कंपेयर करिएगा, तो आप देख पाएंगे कि हम जब ए बी सी से बी सी ए पे आए हैं तो हमने क्या किया है, पहले जो हमारे पास में एक्स वन वाई वन था इसको इसके साथ में इंटरचेंज किया। पहले हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को चेंज किया। तो जब आपने फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को चेंज किया तो एक नेगेटिव साइन आया होगा, तो आपके पास में ये चला गया होगा कुछ इस तरीके से, एक्स थ्री वाली रो ऊपर, फिर एक्स वन और एक्स टू वाली तो बीच में रही रही। फिर हम क्या करेंगे, एक्स टू और एक्स थ्री को इंटरचेंज करें, क्योंकि हमें एक्स टू ऊपर चाहिए, एक्स थ्री नीचे चाहिए। एक और नेगेटिव के साथ में एक और नेगेटिव साइन आया होगा, टोटल आपके पास में पॉजिटिव साइन हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आए, डिटरमिनेंट वैसे का वैसा ही आपको मिल जाएगा। इस वजह से इन तीनों की वैल्यू कैसी रहती है, आपके पास में सेम रहती है। आई होप ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं, वो है आपका, अगर हमारे पास में, अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन आएंगी जो हमें समझनी होंगी। अगर मेरे पास में तीन वेक्टर गिवन है ए एंड सी, और बोला है तीनों हमारे कोप्लेनर हैं, अगर बोला है तीनों मेरे कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा मेरे पास में, जीरो हो जाएगा। अगर ए बी सी तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास में हो जाएगा जीरो। अगर हमारे पास में फोर पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये हमारे कैसे हैं, कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला तो हम लोग समझ गए कि कोप्लेनर का तीन वेक्टर होंगे तो जीरो आएगा आंसर। कोप्लेनर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कोलिनियर की बात नहीं कर रही, मतलब वो जो सेम प्लेन में तीन वेक्टर हो तो हमारा आंसर जीरो आएगा उनका स्केलर प्रोडक्ट करके। बट अगर मेरे को तीन चार पॉइंट्स दे दिए, पहला पॉइंट है ए वेक्टर इस प्लेन के अंदर मेरे को दे दिए, पहला ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, तीसरा है सी वेक्टर, चौथा है डी वेक्टर, अब मैं क्या करूँगी इनको ज्वाइन करके एक पॉइंट से ज्वाइन करूँगी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से ए वेक्टर को ज्वाइन करूँ, यहाँ से बी को, यहाँ से सी को और यहाँ से डी को, तो मेरे को चार वेक्टर टोटल मिल गए। बट हम क्या करेंगे, हमें तीन ही वेक्टर की कंडीशन बताए तो हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके सिंपल लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी। तो ए को मैं बी से ज्वाइन करूँ ए बी वेक्टर बना लूँ, ए को सी से ज्वाइन करूँ ए सी वेक्टर बना लूँ, एंड ए को डी से ज्वाइन करूँ ए डी वेक्टर बना लूँ, और इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके जीरो के इक्वल दिखा दूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कोप्लेनर की कंडीशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड की। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जब भी आपसे बोलता है, इसका तो पूरा का पूरा प्रूफ है जो मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, वेक्टर की अगर आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का पूरा प्रूफ कराया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं आपको चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर उसे चेकआउट करना। थंबनेल पे आपको वीडियो की मिल जाता है कौन सा टॉपिक आपकी वीडियो में कराया जा रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली वीडियो को खोलिएगा, उसमें आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का पूरा प्रूफ मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होती है कि उसकी तीन साइड हमें ए बी सी गिवन होंगी, तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वही उसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होगा। सो आई होप कि जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको जरूरत की थी वो मैंने पूरे चैप्टर में आपकी रिवाइज करा दी हैं, एंड आप लोगों को आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वहीं पे रिप्लाई करके आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर देती हूँ। एंड अगर आप लोग कोई घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसमें आपको डाउट आए तो आप मुझे उसकी फोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स वगैरह पर, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारे ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। एंड अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जल्दी से 900 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल एंड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।